हाँ जी सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना तेजपाल ते अज रिलीज़ हो चुके हैं ट्रेलर पोस्ती दा ते आओ तुहानू मिलाने उन्होंने खास किरदार नाल मेन लीड नाल सुरली गौतम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, किवें तुसीं? बहुत वधिया जी, तुसीं सुनाओ? बिल्कुल ठीक। सब तो पहला जी थोड़ा स्वागत करते हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, थोड़ा पोस्ती का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, बहुत वधिया लगा, तो किहो जिहा लग रहा? बहुत बहुत वधिया लग रहा है। इस दिन का बड़ा इंतजार सीगा कि टीजर आएगा, फिर ट्रेलर आएगी, फिर फिल्म आएगी, तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट हैगी, बिकॉज लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। तो जब जब भी काम एप्रीशिएट होंदा है, लोगों को वधिया लगता है, तो बहुत स्पेशल फील होंदी है। हाँ जी, पावर कट तो बाद पोस्ती किहो जिहा लग रहा है? पावर कट तो बाद पोस्ती डिफरेंट, एज इन कि पावर कट एक अलग जसपाल सर दी एक अलग उन्हों का एक जड़ा फ्लेवर सेगा सटायर दा, उन्हों का अलग तड़का सेगा, तो एक अलग तड़का है। बट राणा सर ने बड़ी बाकमाल फिल्म लिखी हैगी है, स्क्रिप्ट लिखी है, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कॉन्टेंट दैट दे डिसाइडेड टू मेक गिप्पी सर एंड राणा सर, एंड आई थिंक इट्स कुडोज टू दैम, बिकॉज इदा दे पीपल आर नॉट ओपन टू चैलेंज पिकिंग अप चैलेंजेस। लोग इन्ना ज़्यादा चैलेंज जिदे च ज़्यादा चैलेंजिंग जहाँ कुछ होए, लोग नहीं ईजी सेफ प्ले करन दी कोशिश करते हैं। मैंने लगता है कि इदा इन्ना ब्रेव अटैम्प्ट लेना कि असी ये खिलाफ बनानी है फिल्म, पर वधिया तरीके नाल गल कहनी है। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड अ ह्यूज ब्रेवरी मैंने लगता है। हाँ जी, तुसी चैलेंज की गल की, आप कह सकते हैं कि पोस्ती जी फिल्म है वो पंजाब की जी इमेज है वो पॉजिटिव करेगी, तो काइंड ऑफ चैलेंज ये है कि जो पोस्ती ने वो बदल जाने बाद मूवी देखने तो बाद? बेसिकली चैलेंज आ भी होंदा है कि पीपल अजकल लोग बड़े रिबेलियस होंदे हैं, बड़े जजमेंटल होंदे हैं, रिवोल्ट जल्दी करते हैं, गल का पता नहीं होंदा, पहले ही रौला पा देंदे हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये वो, गल का नहीं पता होंदा, पर पहले ही जिदा काफ़ी लोगों ने पहला ही सोच लिया कि ये तो जी फिल्म पक्का तुसी नशा नू प्रमोट कर रहे हो, तुसी क्या कर रहे हो कर रहे हो, तो मैंने लगता है कि दैट्स वाई फील दैट इट्स चैलेंजिंग, बिकॉज जिते तुहानू पता है कि लोग हूँ इन्ना ज़्यादा बोलते हैं, उन लोगों तक अपनी गल पहुँचाना दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। पर इन्ना जरूर है कि फिल्म इज़ एन एंटरटेनिंग फिल्म एंड पीपल लोगों को फिल्म बहुत ही पसंद आएगी, पीपल विल लव इट, बिकॉज इस फिल्म च सब कुछ हैगा, इट्स अ स्टोरी ऑफ लव, फ्रेंडशिप, एंटरटेनमेंट, फन, बट विद अ सोशल मैसेज। कि जब तुम थिएटर तो बाहर आओगे तो एक पल सोचोगे कि ओके दैट थॉट वी हैव मेड दिस फिल्म। हाँ जी, जिवें तुसीं कहा कि मूवी लोग कहते हैं नशे प्रमोट करने लिए, तुसीं एज एन एक्टर तुहानूं डर नहीं लगेगा कि नहीं यार पूरा स्टार्टिंग दे विच नशा दिखाया, बट एंड दे विच ते यही होएगा कि मैसेज मिलेगा कि सानूं नशे तो दूर रहना चाहिए, स्टार्टिंग तुहानूं थोड़ा डर नहीं लगेगा? नहीं, मैनू फ्रेंकली आई एम क्वाइट अ बोल्ड गर्ल, मैं अज दी कुड़ियाँ, आई एम बोल्ड गर्ल, मैं स्टैंड लैन च बिलीव करती हाँ गलत के खिलाफ, तो सही बोलन का भी जिगरा रखती हाँ, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट वैन इट कम्स टू माई थॉट्स एंड माई परसैप्शन, तो मैनू इदा का बिल्कुल भी नहीं लग्या कि नहीं आप दिखा रहे हैं। दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, दैट्स द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, कि लोग इन्ना ज़्यादा देर गेटिंग टू मच इनक्लाइंड टूवर्ड्स ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड छोटे छोटे बच्चे उन्होंने गलत दिशा दिखाई जा रही है, बच्चे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ईवन आई हैव अ यंगर ब्रदर, है ना, कल नू अपा भी साढ़े भी बच्चे होंगे, है ना, तो एक बहुत वड्डी रिस्पोंसिबिलिटी लगती है कि इस चीज़ नू अपा किद्दां कर्ब करिए, किद्दां हटाइए, तो मैं लगता है कि दिस इनिशिएटिव सिनेमा हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रोंग रोल टू प्ले इन इट, बिकॉज सिनेमा एक इदा का मीडियम हैगा कि लोग एंटरटेन भी हो जाते हैं पर सोचते भी हैं, तो वो मैं लगता है दैट इट्स अ वेरी वेरी brave initiative that the makers have come up with. Movie to movie ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, movie ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵੀ ਦਾ? ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਸ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਨੇ ਜੀਵਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ, ਦੈਟਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਸਵੀਟ, ਆਈਡਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਟੇਲ ਔਫ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਮੋਰ ਇਨ ਦ ਫਿਲਮ ਦੈਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇਖਣ, ਸੌਂਗਸ ਆਰ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ।